समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की। नहीं नहीं, आप देखिए मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया। अखिलेश का योगी पर ताबड़तोड़ अटैक जारी। योगी ने सिपाहियों पर वार कर अखिलेश को दिला दिया गुस्सा। अखिलेश का गुस्सा योगी पर नहीं हुआ शांत, चुन चुन कर कर रहे योगी के वार पर पलटवार। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। नहीं नहीं, आप देखिए मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। अब सीएम योगी ने जब सिपाहियों पर आक्रामक वार किया, वैसे अखिलेश यादव ने उन पर करारा पलटवार किया। कह दिया, मेरी और इनकी तस्वीर देखकर बताइए दोनों में से कौन माफिया दिखता है। अखिलेश यही नहीं रुके, उसी दिन सीएम योगी की कार्यशैली पर एक बड़ा वार किया। बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उसकी मदद नहीं कर रही सरकार, ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। अखिलेश ने कह दिया, जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है ये। लेकिन इससे भी अखिलेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सपा के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया था, इसी का परिणाम रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 घंटे में ताबड़तोड़ अटैक करके सीएम योगी पर लगातार प्रहार किया। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। इससे पहले 19 सितंबर की रात को अखिलेश ने एक्स पर लिखा था, अब कोई अब शब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है, इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सम्मति दे भगवान। सीएम योगी ने गुरुवार को मिल्खीपुर में अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। कहा, सारे माफिया इनके चाचा जान जैसे हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए निशाना साधा कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। नहीं नहीं, आप देखिए मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो।